Sonera. अरे वाह, क्या खा रहे हो? दिखाओ क्या लिए हो। पार्ले चॉकलेट। सुनेरा जानी जानी। यस पापा। अब्बस और पियो। क्यों, क्या फ्रूटी पी रहे हो गिलास में? सुनेरा अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही झटपट और आसान तरीके से बिरयानी। तो जिसके लिए मैं चार मीडियम साइज़ प्याज को फ्राई कर के ली हूँ, चार टमाटर है, हाफ के जी चिकन है, और जिसमें मैं सूखे मसाले डालूंगी, तीन टीस्पून हल्दी पाउडर है और एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर और एक टी स्पून बिरयानी मसाला पाउडर है, और दो चम्मच अदरक लहसुन है, और दो टीस्पून नमक है, और थोड़ा सा फूड कलर है, और एक छोटी प्याली दही की है। और ये सब डाल के चिकन को अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करके 15 मिनट के लिए रख देंगे। और अब मैं यहाँ पे कढ़ाई ली, उसमें 3 टेबल स्पून ऑयल है जिसमें मैंने अनियन को फ्राई की थी। तो इसमें अब मैं सूखे मसाले डालूँगी, तो जिसमें है दो तेज़पत्ता, एक फूल, एक बड़ी इलायची, एक टीस्पून ज़ीरा, दो हरी इलायची और 4 से 5 काली मिर्च है। और तेल में खड़े मसाले डाल के उसको अच्छे से भून लेंगे। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेल में। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अदरक लहसुन डालने के बाद इसमें टमाटर डालेंगे, 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर से पाउडर मसाले डालेंगे, सब एक एक टी स्पून है, और एक टी स्पून कस्तूरी मेथी है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। और फिर इसको कवर कर देंगे ताकि वो इसका मसाला जले नहीं। और यहाँ पे चावल रेडी हो चुका है बिरयानी का। अब एक पैन लेके उसमें मैं 1 टेबल स्पून तेल डालूँगी, और जो चिकन को मैरिनेट करे थे वो उसमें डाल के अच्छे से मतलब पकाएंगे। और यहाँ पे मसाला मतलब पक चुका है, तो इसमें 4 मीडियम साइज़ के जो अनियन फ्राई करे थे वो डाल देंगे, और 6 से 7 हरी मिर्ची डाल देंगे बीच से कट करके, एक छोटी प्याली दही डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे जो चिकन लिए थे वो पानी भी छोड़ दिया है, अब इसका पानी खुश्क करेंगे ताकि चिकन अच्छे से गल भी जाए और इसका पानी भी सूख जाए चिकन में। और यहाँ पे ये मसाला रेडी हो चुका, बिरयानी का मसाला, और यहाँ पे चिकन का भी पानी सूख चुका है और चिकन भी अच्छे से पक चुका है। तो अब मैं इसमें एक प्याली रखूँगी ताकि इसको कोयले का धुआं दूँ, और यहाँ पे कोयला भी गर्म हो चुका है, तो कोयला उठा के प्याली में रखेंगे। और इसमें 1 से 2 बूंद तेल डालेंगे, और इसको मैं एक प्लेट से कवर कर दूंगी ताकि चिकन में अच्छे से कोयले का धुआं आ जाए। और यहाँ पे देखो ये हो चुका है, और प्याली को हटा देंगे और चिकन हमारा एकदम रेडी हो गया है। इसको ना मसाले में मिक्स करके अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसको कुछ भी नहीं करना है, और ये एकदम रेडी हो चुका है। इसमें धनिया डाल देंगे ऊपर से,
और अब बिरयानी की लेयर लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पहली लेयर लगा दी है और उसमें ऑरेंज फूड कलर है और येलो फूड कलर है ताकि चावल ना हमारे कलरफुल रहें। और अब मसालों की लेयर लग रही है। तो यहाँ पे मसाले की लेयर लग चुकी है, तो अब ऊपर से धनिया डालेंगे और वापस से चावल की लेयर लगाएंगे। वापस से कलर डालेंगे। और थोड़ा सा ऑनियन फ्राई डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और फिर से मसाले की लेयर लगाएंगे। वापस से चावल की लेयर लगाएंगे। फूड कलर डालेंगे चावल पे। फ्राई ऑनियन डालेंगे। थोड़ा सा धनिया पत्ती डालेंगे और फिर मैं इसको ये प्लेट से ढक दूंगी। इसमें फ्राई अनियन था तो मैं इसे से ढक दूंगी क्योंकि और 15 मिनट के लिए पकाएंगे इसको। 15 मिनट के बाद हमारी बिरयानी एकदम रेडी हो जाएगी। तो जब तक बिरयानी दम पे है तो मैं जुनैरा को ले आई हूँ लेने के लिए, नहलाने के लिए। जुनैरा कैसे खेलने में मगन है। जुनैरा नहाना नहीं है क्या? ए जुनैरा चलो नहाओ। बच्चों को ना कुछ भी दे दो पर वो खेलते ही नहीं है, बस यही अपना गुल्लक ले लेती है और उसमें से पैसे निकाल के उसी से ही खेलती है और कोई भी चीज़ से नहीं खेलती। जुनैरा इधर देखोगे, नहाना नहीं है। हाँ पापा, जुनैरा के पापा भी ना नमाज से आ चुके हैं और आज जुनैरा बहुत लेट हो गई है नहाने में। जुनैरा चलो जल्दी से नहा के रेडी हो जाओ, चलो फिर खेलना बाद में। हाँ आज जुनैरा है ना ये पहनने वाली है, ये जुनैरा का सबसे फेवरेट ड्रेस है, तो ये वो नानी के घर जाएगी तो ये पहन के जाएगी आज। और पर उसको मैं नहला के ये कॉटन का फ्रॉक पहनाने वाली हूँ क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है ना, तो ये पहनाऊँगी मैं उसको फ्रॉक और फिर बाद में वो ये चेंज करेगी। और देखो ये कैसे खेलती है, सारे सिक्के इसमें हैं। ऐसे सिक्के होते हैं ना जैसे, तो एक एक करके मैं इसमें डाल देती हूँ जुनैरा के गुल्लक में और उसको बहुत पसंद है, वो इसी से ही खेलती है। कभी ये अपनी बुक से खेलेगी और ये दो तीन चीज़ है इसी से ही खेलती। जुनैरा जुनैरा कहाँ हो तुम? जुनैरा चलो नहाओगे? नहीं चलो अभी से पोयम भी देखना है, चलो नहा लो फिर पोयम देखेंगे ना। चलो पोयम देखने की जिद हो रही है। जुनैरा चलो जल्दी से नहाओ, नहाओ कर लो फिर देखेंगे ना पोयम। और ये मेरा ड्रेस है जो मैं पहनने वाली हूँ अभी। चलो जुयू चलो जल्दी नहाएंगे, आ जाओ। ये देखो जुनैरा नहा चुकी है। जुनैरा नहाते ही मोबाइल क्या देख रहे हो? दिखा क्या देख रहे हो? कुछ भी नहीं देखती है जुनैरा, बस बैक टू बैक चेंज करती रहती है।
कुछ देखती ही नहीं है। बचपन में इसका फेवरेट पोयम था बेबी शार्क। जुनैरा जुनैरा एकदम बिजी हो जाती है। इसके पापा अगर घर पर होते हैं तो बस पापा की ही मोबाइल लेती है। मैं तो इसे बिल्कुल भी नहीं देती अपनी मोबाइल। जुनैरा इधर देखो, ऊपर मत देखो मोबाइल। तो मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं और नमाज़ भी हो गई है और मैं सूर्य का हाफ पढ़ रही थी। सूर्य का हाफ हम लोगों को जुमा के दिन ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसकी ऐसी फजीलत है कि एक जुमा पढ़ेंगे तो दूसरे जुमा तक नूर होगा, और जो भी इंसान पढ़ेगा तो उसके वो मतलब एक जुमा से दूसरे जुमा तक हर फितने हर बुराई से महफूज रहेगा वो, क्योंकि जुमा के दिन इतने सारे काम होते हैं, मतलब वक्त नहीं होता है तो मतलब कैसे पढ़ें। तो अगर किसी के पास वक्त नहीं है तो जुमेरात के मगरिब बाद से भी मगरिब बाद के बाद टाइम शुरू हो जाता है क्योंकि जुमा का दिन लग जाता है, तो जुमेरात के दिन ही पढ़ लें या तो जुमा के दिन मगरिब से पहले पहले ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। तो चलो फिर खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं। तो ये हम लोग का ना दस्तरखान भी चुका है और ये देखो बिरयानी, माशाल्लाह इतनी अच्छी बिरयानी बनी है, मैं इसे निकाल के दिखाती हूँ। और ये बिरयानी है जुनैर के पापा खा रहे। कैसे बनी है जुनैर के पापा? अच्छी बनी। और ये मेरी प्लेट है, ये सलाद। चलो फिर आप लोग भी आए खाना खाएं, मिलते हैं फिर हम लोग खाने के बाद। बिरयानी ना माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी थी और यहाँ पे मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। आप लोग देख सकते हैं किचन भी क्लीन है माशाल्लाह से। सारे बर्तन धो कर मैं अलमारी में लगा चुकी हूँ, अलमारी में सारे बर्तन धो के मैं लगा दी हूँ। और ये मेरा नाश्ते का टेबल है, टी टेबल। तो जब मेहमान आते हैं तो फिर मैं इसको आगे हॉल में लेके जाती हूँ, मेहमानों के सामने रखती हूँ। और किचन मेरा माशाल्लाह से क्लीन हो चुका है। खाना खाने के बाद सब मैं बर्तन वगैरह धो चुकी थी। और यहाँ पे जुनैरा सो रही है, जुनैरा सो गई है। और इधर नीचे बच्चे खेल रहे हैं माशाल्लाह से। जुमा का टाइम है, जुमा के दिन ऐसे ही सारे बच्चे खेलते हैं, छुट्टी भी जल्दी हो जाती है ना स्कूल की। अरे वाह, इधर देखो जुनैरा। जुनैरा को शूज पसंद आया। जुनैरा शूज, ये देखो जुनैरा रेडी हो गई है। जुनैरा बार बार निकाल दे रहे हो, क्यों निकाल रहे हो? मत निकालो, हाँ मत निकालो जुनैरा, अब वो भी निकालोगे। मत निकालो ये, इसको इसमें लगे रहने दो। ये निकालोगे तो खुल जाएगा ना। इधर देखो जुनैरा, जुनैरा नानी के घर पे जा रही है। नानी के घर पे चल रहे हो? जुनैरा नानी के घर पे चल रहे हो? जुनैरा इधर देखो, एकदम रेडी है। उसका मायने कि बस चलो नानी के घर आराम से आराम से। जुनैरा है ना नानी के घर से अब घर पे जा रही है। उसके पप्पा ना होटल से रोटी दे रहे हैं।
जुनेरा जुनेरा इधर 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 देखो, इधर देखो, नहीं देख रही है। तो जुनेरा नानी के घर से घर पे जा रहे हैं हम लोग, और जुनेरा बाइक पे बैठी है। जुनेरा ए जू यू बैठो, गिर जाओगे नहीं तो। बैठो बैठो बोलो बोलो कुछ बोलो सुनहरा, सलाम करो। बाय कैसे करती है सुनहरा बाय कैसे करती है? तो जुनेरा नानी के घर से आ गई। जुनेरा नानी के घर से आ गए। तो हम लोग नानी के घर से आ गए हैं और खाना वाना खा के भी फ्रेश हो गए एकदम, और जुनेरा खेल रही है। जुनेरा काठी काठी बोलो, काठी काठी बोलो, जैसे बोलते हो बोलो काठी काठी। जुनेरा हाँ बोलो। ये जो आप लोगों को आवाज़ आ रही है ना, यहाँ पे सामने बिल्डिंग के पास मैदान है छोटा सा, वहाँ पे कव्वाल लोग आए हैं, वहाँ पर कव्वाली हो रही है। क्यों गिरा रहे हो बार बार, गिरा रहे हो? तो चलो फिर वीडियो का एंड करती हूँ मैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। जुनेरा सलाम कर दो, बाय कर दो सबको एक बार, उसको समझ में नहीं आ रहा।